दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। बॉलीवुड फिल्म का यह गाना उस वक्त सटीक साबित हुआ जब जयमाला के दौरान दूल्हे की मां ने अपने बेटे और दुल्हन को चप्पल मार दी। मां ने इसके बाद जमकर हंगामा भी काटा जिससे शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह मां को समारोह से बाहर कर शादी की बाकी की रस्में आनन फानन में निपटाई गईं। दरअसल हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे के रहने वाले उमेश चंद्र ने अपने माता पिता को बिना बताए पड़ोस की लड़की अंकिता गौतम से पिछले दिनों कोर्ट मैरिज कर ली, जिसके बाद वह दुल्हन के साथ रहने लगा। इधर बेटी के कोर्ट मैरिज करने के बाद पिता ने धूमधाम से उसकी शादी करने का फैसला किया। शनिवार की रात सुमेरपुर कस्बे के एक गेस्ट हाउस में शादी हो रही थी। इस दौरान दूल्हे की मां वहां पहुंच गई और जयमाला कार्यक्रम में अपने बेटे और दुल्हन को चप्पल फेंक कर मार दी। वहीं मौजूद लोगों ने किसी तरह दूल्हे की मां को नीचे उतारा, लेकिन थोड़ी देर बाद मां फिर स्टेज पर पहुंच गई और दूल्हे की जयमाला तोड़ दी। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है।